कौन है दीपिका सिंह की माँ और कैसे हुई वो कोरोना का शिकार। हाल ही में खबर आई है कि दिया और बाती हम सीरियल की संध्या यानी कि दीपिका सिंह की मम्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिनकी जानकारी खुद इन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए दी है। लेकिन दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद आपके भी मन में सवाल आया होगा कि आखिर दीपिका की मम्मी कौन है और वे कोरोना पॉजिटिव कैसे हुई। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं। दीपिका सिंह की मम्मी का नाम तो नहीं पता, पर उन्होंने वीडियो में अपनी मम्मी की उम्र 59 साल बताई है। इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है और वे दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 45 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में रहती है। अब इन्हें कैसे कोरोना हुआ ये तो अभी तक किसी को नहीं पता चला। बस दीपिका ने बताया कि इनकी मम्मी को सिर्फ फीवर था और खाने में किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। इन्हीं सब लक्षणों को देखते हुए डॉक्टर की सलाह से इनकी मम्मी का कोरोना टेस्ट कराया गया, जो पॉजिटिव आया है। मगर रिपोर्ट अभी तक इन्हें नहीं दी गई है। इनके पापा को बोला कि रिपोर्ट की फ़ोटो खींच कर ले जाइए। रिपोर्ट हाथ में ना होने से इनकी मम्मी को किसी हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा है, जिससे इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने दिल्ली के CM केजरीवाल से मदद की गुहार लगाई है, पर अब तक कोई एक्शन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या दीपिका सिंह की मम्मी की मदद करेगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।